हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट सेकंड। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सेंटेंस के जो भाग हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके बारे में पढ़ा था। और अब हम और भी सब्जेक्ट को के कितने डिवीजन होते हैं वो हम इस वाक्यों के द्वारा समझेंगे। द प्रीटी गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर इज माई डॉटर। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इसको हम देखेंगे। यहां पर हमने इसको डिवीजन किया हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने किसमें डिवीजन किया हुआ है, क्वालिफायर हेडवर्ब। और क्वालिफायर में आ रहा है हमारा डिटरमिनर, एडजेक्टिव, और हेडवर्ब है हमारा नाउन। तो उसके बाद आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज किसको बोलते हैं, एक वाक्यांश है जिसका प्रमुख एक विशेषण है। इसका एक प्रमुख क्या होता है, विशेषण होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण वाक्यांश, वाक्य का एक अंश, और जिसमें विशेषता किसी की बताई गई हो, विशेषण हो, कोई विशेषता बताते हुए कोई शब्द का इस्तेमाल किया हो। और उसके बाद आता है फिर प्रेडिकेट। तो अब ये जो हमने ये वाला वाक्य पढ़ा था, द प्रीटी गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर इज माई डॉटर, इसमें द क्या हो गया डिटर्मिनर, प्रीटी क्या होगी उसकी विशेषता है, प्यारी है, एडजेक्टिव विशेषता विशेषण, और किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल के। अब इसमें सिटिंग ऑन द चेयर जो है वो क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज विशेषण वाक्यांश है, और प्रेडिकेट जो है वो फिर क्या रह गया, इज माई डॉटर। अब नेक्स्ट वाक्य है, ए ब्लाइंड बैगर विद ए बाउल इज स्टैंडिंग एट माई डोर। तो इसको हम कितने कैसे कैसे बांटेंगे, ए हमारा डिटर्मिनर है, ब्लाइंड एडजेक्टिव विशेषता है उसकी, वो अंधा है, बैगर जिसके बारे में बात हो रही है संज्ञा नाउन, बैगर माने भिखारी। अब एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज में क्या है, विद ए बाउल कटोरी के साथ, मतलब उसकी विशेषता और दर्शा रहे हैं, मतलब और जो सेंटेंस है वो हमें क्लियर हो रहा है कि उसके हाथ में एक बाउल है, कटोरा है, इज स्टैंडिंग एट माई डोर, वह मेरे दरवाजे पर खड़ा है। अब दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य है, दीज ब्राउन पेन्स इन माई पॉकेट आर वेरी चीप। तो अब हमने इसको कैसे बांटा है, दीज, दीज डिटर्मिनर हो गया, ब्राउन एडजेक्टिव और विशेषता है वो कैसा पेन, कैसे पेन है, ब्राउन रंग के पेन है, नाउन्स क्या है, पेन के बारे में बात हो रही है, संज्ञा पेन, इन माई पॉकेट जो कि कहाँ है, उसकी विशेषता एडजेक्टिवल फ्रेज है ये, इन माई पॉकेट मेरी जेब में, आर वेरी चीप बहुत सस्ते है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेडिकेट। अब लास्ट एक और वाक्य है, माई एल्डर ब्रदर इज इन अमेरिका इज एन इंजीनियर। ओके, अब हम इसको कैसे बांटेंगे, माई डिटर्मिनर हो गया, एल्डर एडजेक्टिव, ब्रदर नाउन जिसके बारे में बात हो रही है, एल्डर उसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है, और माई उसका डिटर्मिनर है, और एडजेक्टिवल जो फ्रेज है इसमें इन अमेरिका, और उसको दर्शा रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कहाँ है, अमेरिका में है, और उसके बाद प्रेडिकेट कहा गया इज एन इंजीनियर, वो क्या है, इंजीनियर है। तो ये हमने पार्ट पढ़ा सब्जेक्ट्स के पार्ट्स, क्वालिफायर हेडवर्ब, और क्वालिफायर को हम डिटर्मिनर एडजेक्टिव और नाउन हम क्लासिफाई करते हैं, और एडजेक्टिवल फ्रेज और प्रेडिकेट। ये अब हम अगले वाले वीडियो में प्रेडिकेट को हम कैसे कैसे पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं उसको हम देखेंगे।